दोस्तों इंग्लैंड के होश उड़ाने के लिए टीम इंडिया से बाहर हुए चार दिग्गज खिलाड़ी अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी भारतीय टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही में पहले टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड के होश उड़ाने के लिए टीम इंडिया से कौन से चार दिग्गज खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, साथ ही में अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि यह टेस्ट सीरीज टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक लंबी टेस्ट सीरीज का आगाज अगस्त के महीने में होने वाला है। जी हां दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त शुरू होगी और दोस्तों इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 4 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो कि इंग्लैंड के नॉटिंघम स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड बोर्ड ने दर्शकों को आने की अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों ही खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी इस सीरीज में सबसे अधिक रन बना सकता है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। वहीं दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट के पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो भारतीय टीम ने इसी साल इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में मात दी है। जी हां दोस्तों फरवरी मार्च के महीने में भारत में खेली गई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 3-1 से मुकाबले में जीत हासिल की थी। लेकिन अगर इंग्लैंड की सरजमीन पर भारतीय टीम के रिकॉर्ड देखे जाए तो यहाँ पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड काफी खराब नजर आते हैं। भारतीय टीम ने साल 2018 में इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट खेली थी और दोस्तों तब भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से हार झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा भारतीय टीम ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, तब भारतीय टीम ने धोनी की कप्तानी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-1 से गंवाया था। ऐसे में इन रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने में काफी कठिनाइयां आने वाली है। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम के पास इस सीरीज में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद है। वहीं टीम में ऋषभ पंत, केएल राहुल और पृथ्वी शॉ जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी मौजूद है। वहीं इसके अलावा ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी भी खेलते हुए दिख सकती है। वहीं टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत और ईशान शर्मा जैसे तूफानी गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं इसके अलावा भारतीय टेस्ट टीम में अभिमन्यु ईश्वरन और सूर्य कुमार यादव को पहली बार शामिल किया गया है। ऐसे में इस बेहतरीन टीम के दम पर भारतीय टीम इंग्लैंड को उसी के घर में घुसकर हरा सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया में किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं। दोस्तों नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा का स्थान तो लगभग पक्का है। साल 2019 में रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट टीम में लगातार ओपनिंग का मौका दिया गया। वहीं रोहित शर्मा ने इन मौकों को भरपूर तरीके से फायदा उठाया और अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। वहीं दोस्तों इसी साल फरवरी मार्च के महीने में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए थे। अब दोस्तों शानदार प्रदर्शन का नजारा एक बार फिर से रोहित शर्मा दिखा सकते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा इंग्लैंड के सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में शायद पहली बार ओपनिंग बल्लेबाजी करने वाले हैं। वहीं दोस्तों नंबर 2 पर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल को मौका दिया जा सकता है। मयंक अग्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत में भारतीय टेस्ट टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों घरेलू मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा तहलका मचाया है, लेकिन पिछले कुछ समय से मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन थोड़ा सा फीका नजर आया है। ऐसे में अब इस सीरीज में मयंक अग्रवाल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पर विस्फोटक बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को मौका दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा से टीम इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तब चेतेश्वर पुजारा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। ऐसे में अब इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली मौजूद होंगे। जी हां दोस्तों साल 2018 में विराट कोहली ने भले ही अपने कप्तानी में इंग्लैंड की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज गंवाई थी, लेकिन तब विराट कोहली ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। जहां दोस्तों 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से 593
92 रन देखने को मिले थे, ऐसे में एक बार फिर से विराट कोहली धमाल मचाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे मौजूद होंगे। अजिंक्य रहाणे के पिछले 2 सालों के प्रदर्शन को देखकर बात की जाए तो एक के बाद एक अजिंक्य रहाणे ने कई बेहतरीन पारियां खेली है। यहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पिछले टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली के स्थान पर कप्तानी संभालती है और दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक शतक भी ठोका था, साथ ही में उस सीरीज में शानदार टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को मौका मिल सकता है। केएल राहुल ने हाल ही में काउंटी प्लेइंग 11 के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक शानदार शतक लगाकर इस टेस्ट सीरीज के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं दोस्तों इनके इस प्रदर्शन को देखकर टीम इंडिया में इन्हें खेलने का मौका दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हनुमा विहारी को मौका मिल सकता है। हनुमा विहारी ने साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में अपना डेब्यू किया था और ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। अपने करियर में 12 टेस्ट मुकाबलों में अब तक हनुमा विहारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 600 से अधिक रन बनाए हैं, साथ ही में 5 विकेट हासिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन मौजूद होंगे। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेहद ही ज्यादा परेशान करके रख दिया था। यहां दोस्तों 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में अश्विन ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 32 विकेट हासिल किए थे। इसके साथ साथ बल्लेबाजी में एक शानदार शतक ठोककर अहम योगदान दिया था। इसके बाद दोस्तों नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 पर 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी मौजूद होगी। यहां दोस्तों नंबर 9 पर तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में मौका मिलने की संभावना है, जो कि भारतीय टेस्ट टीम की तरफ से लगातार शानदार प्रदर्शन दिखाते आ रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए थे। इसी के साथ नंबर 10 पर तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को मौका मिल सकता है, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बेहद खराब गेंदबाजी की थी, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा नंबर 11 पर तेज गेंदबाज के तौर पर ईशांत शर्मा को मौका मिल सकता है। ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट मैच में अपने 100 मुकाबले पूरे किए हैं। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए साल 2018 की टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे, ऐसे में अब पहले टेस्ट मुकाबले में ईशांत शर्मा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तिगड़ी कमाल कर सकती है और उम्मीद करते हैं कि शानदार प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी, क्या अंग्रेजों को उसी के घर में हरा पाएगी, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।